वहाँ पे मिलेगी? आगे मिलेगी। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक है। देखिए मेरी बुआ का घर इधर ही है। आपकी बुआ? हाँ, इससे आगे है। एक बुआ का घर इस साइड को है, इधर को जाके, और एक बुआ का घर उधर। हाँ, मेरी कजिन बुआ मेरी ना, वैसे तो मेरी एक ही बुआ है पर कजिन बुआ तो दो हैं। ये सारी गाड़ियाँ मेरी बुआ की यहाँ की हैं, वहीं जाती हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे नहीं मिलेगा? डक वाले में। हाँ देखिए दोस्तों, प्रकाशी की गप्पे हो रही हैं डक में जाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली डिसाइड हो चुका है। कौन से कलर वाली में जा रहे हो नित्या? रेड वाली में। पिंक वाली में? सब अलग अलग में बैठोगी? रहती है। इसका प्राइस यहाँ था? टूरिस्ट वाला हमारे मत लगाओ, या हम हल्द्वानी वाले हैं। टूरिस्ट वालों का मत लगाओ हमारे, हम टूरिस्ट थोड़ी ना है। तो दोस्तों नहीं यार, इस समय मैं बच्चों को भी बनाना पड़ेगा। ओके नहीं जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। ये लो नाउ। हाँ वो तो कैसे बनाना है। ये रही बोट, और ये हमारा बोटमैन वुमेन तैयार होते हुए। बेटू वो उनकी चॉइस होती है, वो हमारी नहीं होती है। वो हमें जिसमें बैठा लेंगे हमें उसमें बैठना होता है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये भैया का भीमताल है। ये भैया हमें यहाँ बैठा रहे हैं, भैया ने हमें नाव ये दे दी है। क्या बोलते हैं इसको? डकी बोलते हैं। पैडल बोट, पैडल बोट पे आएंगे और देखते हैं किसने कितना खाया है, तभी चल पाएगा। आप आइए भीमताल के सुहाने मौसम। वो देखो निडर लड़की, देखो कैसे चली गई है। आपको डर लग रहा है? कितने टाइम के लिए होता है? आधा घंटा। यहीं पे लानी हुई वापस, और हम थक गए तो ठीक है। तो नहीं है कि आपने आधा सवा घंटा कह दिया, हम दौड़ लगा के आ रहे हैं। चलो चलो बाबू, आप हमारे साथ आओ। चलो दोनों एक ही साइड बैठ सकते हैं ना? बैठ सकते हैं, पर इनको देखना पड़ेगा। आजा तू, आजा, इसको पकड़ो पहले आप। इसको बीच में बैठाता हूँ मैं। ये रुक जा, हाँ मम्मी आएगी। हम सभी की चल रही है यहाँ पे बोटिंग, आप देख सकते हैं। उधर से नित्या काशी बैठे हुए हैं, और यहाँ देखिए दूसरा इंसान भी कैमरे में लगा ही हुआ है, और हम भी लगे हुए हैं। हमारे खतरनाक बच्चे ये देखिए, इनको दिखाए बगैर तो हो नहीं सकता। अकाउंट हमारा खाली, ठीक है। ओ नित्या, बारिश आ रही ना? बारिश की छिटे आए ना? मौसम तो हो रहा है। तो चाउमीन मोमो खा के भारतीय नारी आज लगी है यहाँ पैडल मार रही है भीमताल के ताल में। किसने खाना नहीं खाया है? इतना मत बोलो, तुमने खाना नहीं खाया है? ऐसे बैठिए देखो। वाह यार, इसे पहले मार दे। इसका फिर से वापस जोर से मार दे। देखो तो बैठ जा, बैठ जा, पहले तू बैठ जा, पहले तू बैठ जा। ले एक पाँव यहाँ रख, एक पाँव यहाँ रख। चल तू तो पैडल के साथ ही हो जाएगा। यहाँ रख, उसके भी नहीं आ रहे। हो ही नहीं रहा, उससे लगेगी 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 लगेगी। हाथी दे दो, दे दो। मैं क्या खड़ी हूँ? नहीं नहीं तो हाथ से नहीं। दोस्तों मैं पैडल बोट का ले रही हूँ खड़े होके मजा, और पतिदेव यहाँ पे पैडलिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मेरी गाड़ी का एक ही पहिया चल रहा है, एक पहिया ब्लॉगिंग कर रहा है, और बाकी हमारे बच्चे को हो रही है पानी में हाथ डालने की बहुत ज्यादा। अनित्या कैसा लग रहा है आपको? पहली बार यहाँ बचपन में बैठी थी बोट पे, बट डक वाले में पहली बार बैठी हो। और काशी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो हम लोग कर रहे हैं अभी दीदी और लब्बू शुभी को भी मिस, क्योंकि हम लोग हर जगह साथ ही जाते हैं। आज पहला ही ट्रिप हमारा ऐसा है जहाँ पे हम लोग सिर्फ हम चार ही गए हैं, अदरवाइज दीदी लोग भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आज हमारा रैंडमली प्लान बना ना,
दीदी का स्कूल भी था, अदरवाइज दीदी लोग भी आते। दीदी तेरी थी छुट्टी नहीं, आपकी छुट्टी नहीं थी, हमने अपनी छुट्टी नहीं होगी वहाँ मीटिंग। तो दीदी महंगाई ने हमारी गाड़ी ऐसे फंसा दी है, ये हमारी नाव भी फंस चुकी है, ये ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, चल रही अब बड़ी। अच्छा इससे होता है आगे पीछे, तो दोस्तों यहाँ पे एक बैग करोगे तो बैग में जाएगा। अच्छा मैंने अधिकारी तो एक डेढ़ घंटा, मैं अधिकारी भूपेंद्र लगे हैं भैया, तीन बजे से पाँच बजे तक आपसे नहीं होगा ना बेटा, बहुत से दोस्तों ये है इस पैडल नाव की कमान, इसी से हम आगे पीछे दाएं बाएं जहां मन चाहे वहां घुमा सकते हैं अपनी बोट को। और यहां पे मेरी काशी कर रही है ढेर सारा एंजॉय, वातावरण कितना शांत है पानी के बीच में, बहुत ही पीसफुल है। तो दोस्तों बाद में पवन बोल देंगे पैडल मैंने ही मारे, तो मैं प्रूफ दे रही हूँ कि पैडल मैं भी मार रही हूँ। क्या हुआ काशी वहाँ पे सोच में बैठी हुई है, भूख लग गई, अभी भूख लग गई, अभी खाते हैं। हाँ कुछ चले क्या निकले क्या पीछे को चलाए, एक बज गया, दो बजे चला सकते बैठो आराम से बैठो, देखो वो वहाँ मंदिर है। नहीं बेटा इसका बैलेंस इसका बैलेंस बनाना पड़ता है, एक छने को वहाँ एक वहाँ एक को वहाँ एक, ये है परफेक्ट फैमिली, सबके सब यहीं बैठ जाएंगे ना, ये नाव यहीं तो उड़ जाएगी, और तैरना हमें किसी को आता नहीं है, फिर भूभू कल हमारी खबर कहेंगे वहाँ मैंने कहा था पानी में मत जाना, लेकिन ये देखो पानी में जाके ऐसा। हाँ बेटा सही सलामत घर भी जाना है, ये देखिए दोस्तों अभी तक खूब ढेर सारे बादल थे, अब आ गए मेरे सर में पूरे बाल चमक रहे होंगे, आप यहाँ दिखा सकते हैं पूरे बाल चमक रहे होंगे, यहाँ पे बाल दिख रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि मेरे सर में बाल कम है, इसका मतलब धूप है। अभी डॉल्फिन में दिखाऊंगा तुम्हें, हाँ बैठो काशी कैसा लग रहा है फिर आपको, उधर चलते चलो डक के पास, वो सामने डक है जो रियल की डक, उधर रियल की डक ये, नहीं 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 थकेंगे, चलो मुड़ाओ, चलो नित्या काशी को डक से मिलाते हैं फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। अरे पहले ही देखिए यार हमने, अब चलो हमारा टारगेट है वहाँ डक में जाने का, हमने अपना यहाँ पे मोड़ दिए हैं पैडल, चलो पहले चलाओ, कॉम्पिटिशन कौन ज्यादा तेज, ये कुछ भी नहीं कर रहे, कितने गंदे नीति एक साइड मचाओ। दोस्तों देखिए पहले जैकेट मैंने उतारी, अब जैकेट इन्होंने उतार दी, और ये ना पैडल खाली दिखा रहे, मार मैं ही रही हूँ बस, हाँ खाली लगे हैं बस। तो दोस्तों हमारा अभी टारगेट है सामने डक्स के पास पहुंचने का, अरे वहाँ उछल कूदने के जानी है, ठीक है वहाँ तो फाइनली हम लोग डक के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों ऐसे संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, तो नित्या काशी लोग पहुंचने वाले हैं डक के पास, ये डक्स आ गई, नहीं काटती भी हूँ नित्या काशी, देखो डक्स दिख रही है आपको, ये देखो वो भी नाव की तरह तैरती हैं। ये देखो हमारे पीछे पीछे आ रही है डक्स, ये अपने डकलिंग के साथ दो डक हमारे बैठे हुए हैं, हाँ घुमाओ यार मजा आ रहा है उनके साथ, चलो बैठने दो, ये देखो क्या हुआ, काशी बातें कर रही है डक से, हाथ नहीं लगाना है डक पे, तो दोस्तों यह है भीमताल की ताल का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो लेक के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है मरीन कैफे, पर हम यहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो इस बार हमने सिर्फ शॉट बनाया यहाँ पे, और अगली बार आपको इसकी सैर भी जरूर करवाएंगे। हम कितने बजे थे कोई आइडिया, मम्मी को कॉल करी थी मैंने उस टाइम, मम्मी का कॉल देखो मैंने मेरे अपने फोन से करी थी, तो फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है नाव को वापस रखने का, मतलब अभी तो टाइम है, कितने बजे बैठे थे हम, देखा तुमने टाइम
मम्मी को कॉल करी थी हमने जिस टाइम हम नाव पे बैठे थे, हमने टाइम देखा नहीं था, लेकिन हमारे ना पांव थके अभी, ना हमारे हाथ थके और ना ही हमारा मुंह थका है, कुछ भी नहीं थका अभी। क्या कर रही है? बैठने दो काशी, गिर जाएगा बाबू। नहीं तो दोस्तों फिर से बैठते हो यहाँ पे नित्या का संघर्ष बिचारी का। ये देखो, ये देखो हमारी नित्या भी संघर्ष करते हुए। ये कहाँ बाबू, कहाँ बैठना? वहाँ से ब्रुक के नीचे जाएगी तू। नित्या ये क्या कर रही हो? नित्या ये क्या कर, छी नित्या हाथ मत लगाओ, छी नित्या हाथ नहीं। चलो ठीक है, रुको मैं मेरे पांव के ऊपर से रखना, रुको। तो फ्रेंड्स बोट थी आधे घंटे के लिए और हमने पूरा एक घंटा एंजॉय कर लिया। एक घंटा कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। ओ पानी मार दिया इसे, रुक जाओ। अब बोट को रखने का आ गया है टाइम, भैया बुलाने लग गए हमें और यहाँ पे नित्या की मस्ती अभी जारी है। और यहाँ पे क्या हम पार्किंग सही, हमें तो अभी मन ही नहीं भरा हमारा तो। और यहाँ पे पार्किंग हो रही है और यहाँ पे ये देखिए सही जाते हुए एकदम। टिकट, इसको ले टिकट, पैसे किराया। हाँ तो किसको दिया? नहीं तो सब कह रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। नीतीश जूते भीग जाएंगे बच्चा, जूते भीग जाएंगे। नीतीश ऐसे मत करो, चलो उसके भी उतार दो फिर जूते। भैया टिकट तो दिया ही नहीं, कुछ बोलने वाली थी नित्या। आप पेट पूजा, पेट पूजा करनी है तो दोस्तों ये देखिए है हिसालू का पेड़, लेकिन इसमें हिसालू नहीं लगे हैं हमारा। मैंने खाना बनाया होता है घर में, मात्र ये कहती भूख लग रही है। चलो आइसक्रीम खानी है। तो आधे घंटे के लिए नाव ले रखी थी, पूरा एक घंटा हमने पैडलिंग कर ली है और उसके बाद भी हम लोग को अभी चैन नहीं है। अभी और मन कर रहा है हमें कि हम बोटिंग करें, बट अब हमारे को लग गई है भूख, अब हम कुछ खाते हैं। नित्या काशी भी खाते हैं। अभी तक मैडम को ना वो हो रही थी क्या, ठंडा लग रहा था, कुल्फी खाते हैं मैडम को लग रहा है कुल्फी खाते हैं। चलो क्या खाएं, क्या है भैया? ये भेलपुरी है, बना दो फिर दो बना दो। चटपटी सी भेलपुरी खाएंगे हम। मैं तो मूंगफली देख के मुंह में पानी आ गया। इस साइड को आ जाओ, हां चलो यहां पे फोटो शूट करेंगे। आओ यहां पे चलो। ये देखो कितनी बढ़िया कलाकारी है ये। अच्छा इस पे हम लोग ऐसे पहाड़ी नींबू चूक 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 सान लेते हैं। भेलपुरी पानी आ गया बनाने के मुँह में। काशी आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं करते ना, वो डाल दिया भैया ने वहाँ पे, आप यहाँ पे से ले लोगे तो फायदा क्या है? ऐसा सुनना होता है फिर जैसे चीटिंग। ये क्या डाला आपने? ये चटनी काई की, इमली की चटनी। अच्छा फ्रेंड्स ये देखिए हमारे कलाकारों की कलाकृति, गोलोबंद धागुले सारी चीज़ें बना रखी हैं, पहाड़ी संस्कृति दिखा रखी है इस वॉल पेंटिंग के थ्रू, हमारी पहाड़ी संस्कृति दिख रही है। ये ले आए हैं हमारे गड़ा जी भेलपुरी। ये देखिए दोस्तों गांधी जी के तीन बंदर कैसे खा रहे हैं। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो एंड बुरा ना सुनो। मस्तोरिया थैंक यू, थैंक यू भैया, बहुत टेस्टी बनाया था आपने। बोलो ऐसे कर दो ऐसे, बहुत टेस्टी था। बर्फ का गोला, ये बर्फ ही तो है, वो आपको खाना है बस गोला। इधर से कहाँ से आ रही है बस ये? अच्छा टूरिस्ट, कलर का ध्यान रख देना था वरना आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, इनको गोले में भी कलर देखना है, पिंक और रेड। ना भैया से वही करता ना, वरना आपके साथ हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, हमारे तो पैसे आप ही मेहनत।
नित्या तुम्हारे कलर के चक्कर से भैया ने वहाँ देखे काशी आपका कलर नहीं आया, नित्या का तो रेड था आ गया जल्दी, काशी का पिंक कलर नहीं बना तो भैया ने तो भैया इतना बना क्या रहे हैं वो येलो बोला है येलो बोला येलो बोला आपने नो फे गुलाब बोला पिंक सेम हो जाएगा ना पिंक वही पिंक ही आप ये येलो हो ये लो ये देखो येलो थैंक यू बोलो सिंहाज क्या बन गए हो तुम ये अगर इसके बाद बीमार पड़े ना तुम लोग चलो आओ यहीं बैठ जाओ आराम से तो दोस्तों 2 बज गया है और मेरी काशी का गोला खत्म ही नहीं हो पा रहा है। काशी फिनिश करो ना हम इसको यहीं छोड़ जा रहे हैं। चल नित्या बैठ तू हम फिनिश कर जा रहे ऐसे ऐसे ये लड़की उसको पी ले उसे पी लो छोड़ नहीं रही है हाँ इसको पी लो फिर चल रियल मैंगो बिट्टे ओए डकार भी आ गई उसको डकार भी आ गई है छोड़ने को तैयार नहीं हो तो फेस कर दूं कैसे लगे इस पे सही बात है और मेहनत भी है हां जूस पी लो इसको यहां कर दो तो ऐसा गोला बना रहा हूं बच्चे थोड़ी नहीं रहे हैं एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी हेलो आज छुट्टी नहीं रहा यहां देख रहा हूं फिनिश इट फास्ट काशी पर्यटन तो चल रहा है तो बाय बाय भीमताल बोलो नित्या बाय बाय भीमताल फिर मिलेंगे भीमताल तो ये यहाँ से दिख रही है आपको पूरी ताल भीमताल की टांग मुझे ऐसा लगता है ना बोलो कि नैनीताल की ताल से बड़ी है क्या मैं सही हूँ नहीं नैनीताल की बड़ी है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की बड़ी है दो फाड़ जैसे हाँ ये काफी आगे तक है ना वो तो जैसे ऐसे यहाँ से खड़े हो तो वह पूरी ताल दिखती है देखो ये पूरी कहाँ दिखती है यहाँ से फिलहाल ठंडी ठंडी हवा लेके जाते हैं हल्द्वानी की हल्द्वानी हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म है ना कौन से ये पूरा ट्रिप का जो प्लान था वो था पवन का अचानक से ही उन्होंने मॉर्निंग में बोला चलते हैं आज कल शाम भी बोल रहे थे फिर रैंडमली हमारा प्लान बन गया और हम आ गए वैसे ट्रिप्स ऐसी होती है जो रैंडम भी बन जाए प्लान करके कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती अचानक ही कोई चीज़ प्लान कर लो और वो हो भी जाती है तो अभी निकलते हैं तो दोस्तों यहाँ से दिखता है हमारा भीमताल के आधे पॉइंट पे जब हम पहुँचते हैं ये देखिए तो यहाँ से दिखती है हमारी हल्द्वानी ये रही हमारी हल्द्वानी मतलब ये है गोलापार वाला एरिया ये जो दिख रहा है जहाँ पर आपको ये नदियाँ दिख रही हैं ये गोलापाल वाला एरिया और ये है हल्द्वानी का एरिया जो अभी उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है और अब हम निकलते हैं आगे को काशी सो गई है उठ भी गई है चलो दोस्तों हम फिर से वापस आ गए हैं सलड़ी पे और सलड़ी इस रूट से आए हैं और सलड़ी के पकोड़े ना खाएं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है तो हम यहाँ से पकौड़े खाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं और ना ही करते हैं तो अब हम रुकेंगे गाड़ी नित्या खाएं नित्या को टेंशन थी कहीं नहीं खिलाएंगे हमें करके ओह माय गॉड तो वो आगे वाले में खाते हैं दोस्तों हम लोग आ गए हैं सलड़ी पे और अब हम खाते हैं पकौड़ी मस्त इंजॉय करते हैं ये चल दिए हैं पानी के पास तो यहाँ पे बेहतरीन आनंद लेते हुए और लोग अपने गंतव्य की ओर आते और जाते हुए हाँ हाँ क्या देना है पानी यहाँ पे है यहाँ फर्स्ट क्लास पार्टी चल रही है तो अब मैं भी स्टार्ट करता हूँ इसको स्कूटी का यही फायदा है ऐसे ट्रैफिक से बचा जाता है स्कूटी में जाने से वरना कार में होते तो पीछे ही कहीं खड़े रहते हैं अभी ये देखिए स्कूटी वाले ऐसे भगा लेते हैं आगे सारा जाम क्रॉस कर दिया हमने पर ये जाम बहुत ही लंबा है ये तभी पवन को स्कूटी में मजा आता है ना मच ये देखो आ रहे हैं हमारे सामने हमने तो पूरा ही ट्रैफिक क्रॉस कर दिया यहाँ लगा है यहाँ चले गए अच्छा यहाँ पे पुल में काम चल फाइनली देखिए दोस्तों हमने इतना बड़ा जाम क्रॉस करके हम निकल चुके हैं आगे तो यही फायदे हैं ना स्कूटी के है ना पनू तभी तुम इतना खुश रहते हो स्कूटी मार्ग में अब इधर वाला जाम लग तो पुल की वजह से तो लग रहा है हमें जाम पुल ये अंकल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जाम नहीं लगता वैसे काफ़ी मेहनत है वो पुलिस अंकल जो है ना ये वहाँ से ही देखो दोस्तों देखे वो
इधर से ज्यादा नुकसान। अरे कहाँ तक लगाई जाऊं? तो यहाँ से लेते हैं मम्मी पापा के लिए आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर लेना है? फाइनली वी रीच्ड एट होम। फाइनली पहुंच चुके हैं घर और पापा ने देख लिया वहाँ की भीमताल की वीडियोस। हाँ बहुत यूपी हरियाणा महाराष्ट्र यहीं के आए थे सारे। जब भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस में जाओ ना तो ऐसा लगता है हमारा उत्तराखंड कितना अच्छा है, इतने बाहर से लोग आते हैं, पर हम लोग को अपने आसपास के प्लेसेस की इतनी वैल्यू नहीं होती। मतलब ये लगता है कि हाँ है वाला टाइप्स ना कि नज़दीक है, हम कभी इतना घूमने का वो नहीं रखते हैं कि भीमताल है नैनीताल है, बट बाहर के लोगों को बहुत क्रेज़ रहता है। और वो देख के पता चल रहा था वहाँ पे सारे हरियाणा यूपी महाराष्ट्र कहाँ कहाँ से लोग आए थे। और हम मम्मी पापा को देते हैं आइसक्रीम और मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। मम्मी कटोरी भी लेके आ गई हैं आइसक्रीम के लिए, तो ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपने हमारा हल्द्वानी टू भीमताल ब्लॉग एंजॉय किया होगा, हमारा टूर स्कूटी में एंजॉय किया होगा, काफ़ी मजे करे दोस्तों। हमने छुट्टी का पूरा बेनिफिट ले लिया है और टाइम करेक्ट 4 o'clock हो रहा है। ये आपको उल्टा दिखाई देगा लेकिन 4 o'clock हो रहा है टाइम, अभी करेक्ट 4:05 हो रहा है। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं, वहाँ से हम 2:30-3 बजे निकले। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको ब्लॉग में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं कल से एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट। गुड नाइट तो हुआ नहीं है, बाय बाय।